नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है नेगी बुक्स लवर। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर हफ्ते हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगस्त के महीने में मैंने जो भी बुक्स पढ़ी है तो उसका एक मिनी रैपअप करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। मेरी पहली बुक है जो कि मैंने अगस्त के महीने में पढ़ी, सत्य अयोध्या बाय कालकी, केविन मिशेल के द्वारा लिखी गई। केविन मिशेल एक इंडियन ऑथर है जिन्होंने अभी तक 2 से 3 बुक लिख चुके हैं और इनकी ये कालकी का दूसरा पार्ट है। अगर आपको बुक को स्टार्ट करना है पढ़ने से तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप पहली बुक को पढ़ें, फिर उसके बाद सेकेंड बुक को पिक करें, क्योंकि अगर आप पहले दूसरी बुक को पकड़ लेंगे तो फिर आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। इस बुक में आपको अलग अलग कैरेक्टर के बारे में मिलता है जानने के लिए बारे में। इसमें एक्शन भी है, थोड़ा सा थ्रिलर भी है और कहीं कहीं पे हल्का सा रोमांस भी है। इसमें वुमेंस का कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है कि कैसे वुमेंस से होती हैं, कैसे किस तरह का कैरेक्टर उस टाइम के ज़माने में हुआ करता था। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इस बुक को आप ज़रूर ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको इस बुक का अच्छे से रिव्यू जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इन सभी जो भी मैंने बुक्स पढ़ी है अगस्त में उन सब का रिव्यू मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। आप वहां से जाके इन बुकों को और इन बुक को बाय कर सकते हो और उनका रिव्यू जान सकते हो। तो मेरी दूसरी बुक है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई। एटॉमिक हैबिट्स बुक्स में आपको ये जानने को मिलता है कि किस तरह आप हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो और हैबिट्स क्या होती है और आप हैबिट्स को कैसे बना सकते हो और अपनी बुरी हैबिट्सों को कैसे चेंज कर सकते हो, उन सभी के बारे में इस बुक में दर्शाया गया है और सिंपल लैंग्वेज में ऑथर ने इस बुक में लिखा है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। मेरी तीसरी बुक है 13 Steps to Bloody Good Wealth बाय आश्विन सांगी। इस बुक में लेखक आपको ये बताते हैं कि आप अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हो, आप अपने वेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे उसको सेव कर सकते हो और कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से वे हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप सही तरीके से अपने वेल्थ को एक अच्छी वेल्थ बना सकते हो। तो इस बुक में आपको अलग अलग मेथड के बारे में मिलता है जो कि लेखक ने अपने फ्रेंड्स सुनील दलाल के साथ मिल करके इस बुक को बड़े अच्छे से और सही लैंग्वेज में लिखा है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ जो भी अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है, ये किसी एक पर्टिकुलर एज के लिए नहीं, ये बुक सब के लिए है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये बुक बहुत ही अच्छे से पढ़नी चाहिए और आपको अगर जानना है कि कैसे आप फाइनेंशियली अच्छे हो सकते हो, कैसे आप फाइनेंशियली समझदार हो सकते हो, अपने पैसे को कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए और कैसे आप बजटिंग कर सकते हो, कैसे आप एक फ्यूचर में अपने लिए एक अच्छा अमाउंट पैसा जमा कर सकते हो, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मेरी चौथी बुक है मैन फ्रॉम मार्स वुमेन फ्रॉम वेनिस बाय जॉन स्कैरी के द्वारा लिखी गई। ये एक सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई एक अच्छी सी बुक है। इसमें आपको ये पता लगता है कि वुमेन्स का कैरेक्टर कैसा होता है, मैंस का कैरेक्टर कैसे होता है, आप अपने रिलेशनशिप को कैसे बेटर कर सकते हो, सामने जो आपका पार्टनर है आपको उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, आपके पेरेंट्स के साथ हो, चाहे आपकी मॉम के साथ हो, चाहे आपके फादर के साथ हो, या फिर कोई लड़की के साथ हो, या फिर कोई लड़के के साथ का आपका रिलेशनशिप हो, कि आप कैसे उसको सुधार सकते हो, कैसे आप उनके साथ एक अच्छा और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने साथ उसके साथ डेवलप कर सकते हो। ये बुक आपको ये बताती है कि लड़की का कैरेक्टर कैसा होता है और लड़के का कैरेक्टर कैसा होता है, कि अगर हम लड़के हैं तो हमें लड़कियों से कैसे बिहेव करना चाहिए, अगर हम लड़की हैं तो हमें लड़कों से कैसे बिहेव करनी चाहिए, वो उन सभी के बारे में आपको ये बुक अच्छे से बताती है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपको इस बुक को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार ज़रूर ज़रूर पढ़ना चाहिए।
इन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इन बुकों को वहां से भी बाय कर सकते हो और मेरा व्यू भी जान सकते हो कि इस बुक में मैंने क्या-क्या सीखा और क्या-क्या समझा और आपके साथ मैं क्या शेयर कर रहा हूँ, उन सभी के बारे में मैंने बता रखा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।